सोलन के माल रोड पर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में पैसे निकालने आए व्यक्ति को दो शातिर व्यक्तियों द्वारा ठगने का प्रयास किया गया, लेकिन जागरूक सुरक्षा कर्मी सरदार सिंह ठाकुर ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। जब इन दोनों शातिरों की पोल खुली तो वे सुरक्षा कर्मी को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि सुरक्षा कर्मी ने उन्हें पकड़ने का बेहद प्रयास किया, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने सुरक्षा कर्मी का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से शातिर ठग रेत की तरह हाथ से फिसल गए। सोलन के माल रोड पर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में पैसे निकालने आए व्यक्ति को दो शातिर व्यक्तियों ने ठगने का प्रयास किया, लेकिन जागरूक सुरक्षा कर्मी सरदार सिंह ठाकुर ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। जब तक इन दोनों शातिरों की पोल खुली तो वे सुरक्षा कर्मी को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब हो गई। हालांकि सुरक्षा कर्मी ने उन्हें पकड़ने का बेहद प्रयास किया, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने सुरक्षा कर्मी का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से शातिर पैसे ठग कर रेत की तरह हाथ से फिसल गए। जानकारी के अनुसार इन दोनों शातिरों ने एक व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाया और उसके एटीएम को क्लोन करने का प्रयास किया, लेकिन वे एटीएम का उपयोग नहीं कर पाए और वहां से भाग खड़े हुए। अधिक जानकारी देते हुए जागरूक जांबाज सुरक्षा कर्मी सरदार सिंह ठाकुर ने बताया कि सोलन के बैंकों में महीने की शुरुआती सप्ताह में ठगी की घटनाएं ज्यादा हो रही थी, जिसको लेकर उनके उच्च अधिकारियों ने उन्हें जागरूक रहने के दिशा निर्देश भी दिए। इसी दौरान उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति काफी समय से एक व्यक्ति से एटीएम की जानकारी हासिल कर रहे थे। वह देखने में हरियाणा के प्रतीत हो रहे थे, जिन पर ठग होने का शक हुआ। उनसे पूछताछ की गई तो ठग होने का शक और गहरा होता गया। तब उनसे आईडी दिखाने को कहा गया तो उन्होंने पोल खुलते देखकर उसे धक्का देकर वहां से भागने का प्रयास किया। दोनों व्यक्तियों को उन्होंने पकड़ने की बेहद कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मौके पर उनकी मदद नहीं की और वे भागने में कामयाब हो गए। यही नहीं, जब वे भाग रहे थे तो माल रोड पर भी उन्होंने काफी शोर मचाया, लेकिन किसी ने भी उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जब वे एटीएम में आते हैं तो वे किसी से भी एटीएम की जानकारी साझा ना करें और ना ही किसी से कोई सहायता लें और ना ही किसी को अपने आसपास खड़ा होने दें, तभी इस तरह के ठगों से बचा जा सकता है। सर, मामला ये है कि पहली से 10 तारीख तक जो लोग हैं बाहर से, जो हमारे ग्राहकों के कार्ड को क्लोनिंग करते हैं, स्वैप करते हैं या फ्रॉड करते हैं, उनके प्रति तो वो सक्रिय रहते हैं सोलन के अंदर ज़्यादातर। तो हमें भी चीफ साहब ने हिदायत दे के रखी थी, श्री पी के मेहता जी ने, कि थोड़ा ध्यान रखना, लोग आते हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है। तो उस बातों को ध्यान रखते हुए मैं कभी एटीएम के अंदर झांकता हूँ, कभी ब्रांच के अंदर देखता हूँ कि किसी लोगों के साथ ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। वापस आया मैं तो मुझे ऐसे लगा कि दो बंदे मुझे ऐसे बाहर से दिखे शीशे से अंदर, जो किसी बंदे की हेल्प कर रहे थे। तो जैसे मैंने एटीएम का डोर खोला, अंदर गया, तो मुझे लगा कि वो बंदा जो है एक कैप वाला बंदा था कोई वहाँ अंदर, उसकी वो हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये तो ओपन में इसके एटीएम कार्ड का नंबर पूछ रहे हैं और डाल रहे हैं। मैंने उससे पूछा, भाई जी आप क्या कर रहे हो? उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिखाया कि मैं पैसे निकालने के लिए खड़ा हूँ यहाँ। ठीक है, फिर मैंने उससे डॉट पे पूछा कि भाई जी आपका आईडी प्रूफ दिखाओ मुझे, मुझे शक हो रहा कि आप, मुझे लग रहे हैं चेहरे से कि आप हमारे यहाँ के नहीं है कस्टमर, और आप मुझे अपना आईडी प्रूफ दिखाइए। तो जब मैंने उसका आईडी प्रूफ मांगा तो उसका चेहरा उतर गया, मुझे पहचान होगी कि नहीं ये बंदे हैं ऐसे। तो तब तक उसने अपना कुछ दिया और पीछे वाले बंदे ने मुझे खींचा। जब उसने मुझे खींचा तो उस आगे वाले बंदे ने मुझे धक्का मारा। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जिस बंदे का कार्ड क्लोन किया उसने मेरी हेल्प नहीं की, ना तो उस बंदे ने सपोर्ट की कुछ, अदरवाइज तो उसको हम पकड़ सकते थे। दूसरा, मेरे साथ हथियार था, वो हथियार गिर सकता था, फायर हो सकता था, किसी जानी नुकसान और कभी हो सकता था। तो मैं एक हाथ से अपने हथियार को कवर कर रहा था, दूसरे हाथ से मैंने उसको पकड़ा, लेकिन वो इतने ज़ोर से धक्का मारा कि वो मेरे हाथ से छूट गया। ऐसे उसके बाद फिर मैंने बाहर भी शोर मचाया, लोगों को ऐसे अवेयर किया कि देखो जी पकड़ो, बंदा भाग रहा है, लेकिन लोगों ने किसी ने कोई ऐसी बात नहीं सुनी और ना लोगों ने ध्यान दिया उस तरफ। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एजुडे के साथ। नमस्कार।